मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली बात तो समान नागरिक संहिता का धर्म और मजहब से कोई लेना देना नहीं, न इसका इस्लाम से कुछ लेना देना है, न क्रिश्चियनिटी से, न हिंदुज्म से। दूसरा, समान नागरिक संहिता लागू होने से हिंदू कोई फायदा नहीं है, यह भी आप समझ लीजिए। समान नागरिक संहिता का मतलब जैसा आप खुद ही, समान नागरिक, सभी नागरिक एक अधिकार मिले, सबको समान अधिकार मिले, उसको कहते हैं समान नागरिक संहिता। हिंदुओं में महिला और पुरुष को पहले से ही समान अधिकार मिल चुका हुआ है। हिंदुओं में गोद लेने का महिला को भी अधिकार है, पुरुष को भी अधिकार है। प्रॉपर्टी का राइट महिला को भी है, पुरुष को भी है। विरासत का अधिकार महिला को भी है, पुरुष को भी है। भरण पोषण का अधिकार महिला को भी है, पुरुष को भी है। केवल एक अंतर है, वह है शादी विवाह की उम्र में, कि लड़की की 18 होती है हिंदुओं में और लड़के की 21 होती है। अब समझिए इसको आप, बाकी हिंदुओं में लगभग लगभग 90% समानता आ चुकी है महिला और पुरुष के बीच में, बेटे और बेटी के बीच में। केवल एक अंतर रह गया है कि लड़की की शादी की उम्र हिंदुओं में 18 साल है, जो मिनिमम एज है, और लड़के की है 21 साल। तो बात यह है कि अगर यह समान नागरिक संहिता आएगी तो होगा क्या और फायदा किसको मिलेगा? मुस्लिम्स में जो शादी की उम्र है वो 9 साल है। 9 साल का मतलब बच्ची दूसरी या तीसरी में पढ़ रही होती, प्राइमरी कक्षा में पढ़ रही होती। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो शादी की उम्र सबकी बराबर होगी, हिंदू मुस्लिम पारसी ईसाई महिला पुरुष। सरकार ने बिल पेश किया है 21 साल शादी की उम्र करने का। इसका मतलब मुस्लिम लड़कियों की भी शादी की उम्र 21 साल हो जाएगी, मुस्लिम लड़कों की भी शादी की उम्र 21 साल हो जाएगी। तो हिंदुओं को फायदा तो हुआ नहीं, क्योंकि हिंदुओं लड़कों की शादी की उम्र पहले 21 साल थी, लड़कियों की 18 साल थी। थोड़ा सा लड़कियों को फायदा हो गया कि 18 साल थी 21 साल हो जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा मिला किसको मिला? मुस्लिम बहन बेटियों को, जो उनकी 9 साल में शादी होती थी वो अब 21 साल में शादी होगी। स्वाभाविक सी बात है, जब 21 साल में शादी होगी तो वो भी बीए कर लेंगी, बीएससी कर लेंगी, बीकॉम कर लेंगी, या 12वीं के बाद कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेंगी, कोई डिप्लोमा कर लेंगी। इंजीनियरिंग करना चाहेंगी तो इंजीनियरिंग भी लगभग हो चुकी होगी या फाइनल ईयर में होंगी। मेडिकल करना चाहेंगी तो एमबीबीएस भी हो, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में रहेंगी। बीएड करना चाहेंगी, मतलब कुछ भी करना चाहेंगी तो कम से कम एक उनकी पढ़ाई लिखाई हो चुकी होगी। तो इसलिए जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आए तो सबसे पहला फायदा किसको हुआ? मुस्लिम्स को। दूसरा, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो जो तलाक लेने का तरीका है वो सबका एक हो जाएगा, यानी जो डिवोर्स का प्रोसेस है वो सबका एक होगा। अभी कैसा है, हिंदुओं में अगर आपको तलाक लेना है तो महिला और पुरुष कोर्ट जाए, जज दोनों की बात सुनेगी। जज दोनों की बात सुनने के बाद उनको 6 महीने का टाइम देते हैं, भाई ठंडे दिमाग से समझ विचार कर लो, सोच विचार लो। दोनों परिवारों को बुला के समझाते हैं, लड़के लड़की को बुला के समझाते हैं, 6 महीने का टाइम देते हैं। उसके बाद भी अगर महिला पुरुष कहते हैं जी तलाक हमें चाहिए तो ठीक है जी, तलाक ले लो। इसमें मुस्लिम्स में क्या चल रहा है, ट्रिपल तलाक तो खत्म हुआ लेकिन बाकी के तलाक तो चल रहे हैं। तलाके हसन, तलाके हसन, तलाके सुन्नत, बाकी तलाक चल रहे हैं। तो मौखिक तलाक आज भी हो रहा है। जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो मुस्लिम बहन बेटियों को जो अभी मौखिक तलाक मिल रहा है बाकायदा, उनको भी कोर्ट के जरिए तलाक मिलेगा। जज दोनों पक्षों को सुनेंगे, दोनों पक्षों को समझाएंगे, 6 महीने का उनको टाइम देंगे सोचने समझने का। दोनों परिवारों के माता पिता को बुला के समझाएंगे, बात करेंगे, उसके बाद उनका भी तलाक कोर्ट के जरिए होगा। तो फायदा किसको हुआ? मुस्लिम्स को, क्योंकि हिंदू में पहले कोर्ट से हो रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो सबको गुजारा भत्ता मिलेगा। अभी तलाक लेने के बाद हिंदुओं में गुजारा भत्ता तो मिलता है लेकिन मुस्लिम में गुजारा भत्ता नहीं मिलता, जो मेहर की रकम है वही मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि हाँ 3 साल 5 साल 8 साल 10 साल अगर बच्चा हुआ तो बच्चे को थोड़ा गुजारा भत्ता मिलेगा, बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए कुछ पैसा मिलेगा, बेटी को मिलेगा, ऐसा नहीं होता। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो मुस्लिम बहन बेटियों को भी गुजारा भत्ता मिलेगा,
तो फायदा किसको हुआ? मुस्लिम बहन बेटियों को, क्योंकि उनको अभी बिल्कुल नहीं मिलता था, अब उनको मिलेगा। हिंदुओं को कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनको पहले से मिलता था, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद कोई फायदा हुआ नहीं। इसी तरीके से गोद लेने का अधिकार, हिंदुओं में महिला को भी गोद लेने का अधिकार है, पुरुष को भी गोद लेने का अधिकार है। बाद में शादी हो गई, बच्चे नहीं हो रहे, तो भैया ठीक है गोद ले लो। लेकिन मुस्लिम्स में गोद लेने का अधिकार महिला को तो बिल्कुल नहीं है, पुरुष को है, वो भी लिमिटेड है। क्या अधिकार है कि अगर पुरुष गोद ले तो सकता है, लेकिन अपनी 100% प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। जब 100% प्रॉपर्टी नहीं दे सकता तो उसको अपना कोई बच्चा क्यों देगा? मुस्लिम्स में पॉलीगेमी का यानी बहुविवाह का एक बहुत बड़ा कारण यही है। बाई दिल अगर उनके यहां बच्चे नहीं होते तो लोग बच्चा गोद तो नहीं ले नहीं सकते, इसलिए अपने वंश को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं। इसमें एक बात और भी है, मुस्लिम्स में चूंकि 100% प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, और बाई दिल किसी के पास बहुत प्रॉपर्टी है, मान लीजिए 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 2 बेटियां भी हैं, उसके बाद भी वो चाह रहा है उसको बच्चा हो जाए, बेटा हो जाए। बेटा होगा या बेटी, ये महिला पे नहीं बल्कि पुरुष पे डिपेंड करता है। अब उसने 3 बेटियां कर लिया, 4 बेटी कर ली, 5 बेटी कर ली, बेटा हो ही नहीं रहा, तो क्या करता है, गोद ले नहीं सकता कोई किसी और का बेटा, अपने भाई का बेटा, किसी और का बेटा, तो वो क्या करता है, बेटे के लिए भी दूसरी शादी कर लेता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो मुस्लिम बेटियों को भी बराबर का अधिकार मिलेगा गोद लेने का, मुस्लिम पुरुषों को भी गोद लेने का अधिकार मिलेगा। तो ये जो बहुविवाह उनको करना पड़ता है मजबूरी में, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी महिला नहीं चाहती उसके घर में कोई सौतन आ जाए, कोई नहीं चाहती। तो सबसे बड़ा जो फायदा मिलेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का, वो हमारी मुस्लिम बेटियों को मिलेगा, मुस्लिम बहनों को मिलेगा, कि उनके घर में कोई सौतन नहीं आएगी, उनको भी गोद लेने का अधिकार होगा, उनके शौहर को भी गोद लेने का अधिकार होगा, ये वो फायदा। इसी तरीके से प्रॉपर्टी का राइट, हिंदुओं में तो बेटी को भी बेटे को भी बराबर अधिकार है, बहू को भी, वाइफ को भी, हस्बैंड को बराबर प्रॉपर्टी का अधिकार है, लेकिन मुस्लिम्स में नहीं है। तो जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो किसको फायदा मिला, मुस्लिम्स को। वसीयत का नियम, विरासत का नियम, ये जो राइट है ये भी हिंदुओं में इक्वल है, बेटी बेटे को बराबर है, बहू और बेटे को बराबर है, महिला पुरुष को एक समान है, पति पत्नी को एक समान है, लेकिन आपके मुस्लिम्स में नहीं है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो उनको भी बराबर अधिकार मिल जाएगा, तो फायदा क्या हुआ, मुस्लिम्स को। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो लड़के लड़की की शादी की उम्र बराबर होगी, गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, तलाक लेने की प्रक्रिया एक कॉमन होगी, गोद लेने का अधिकार, भरण पोषण का अधिकार, विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार, प्रॉपर्टी का अधिकार, सबको समान होगा। तो फायदा किसको हुआ, मुस्लिम्स को। इसलिए मैं कहता हूं, हम मुस्लिम बहन बेटियों से कहते हैं कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करिए, ये पुरुष नहीं चाहते कि आपको